आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपने जीवन में आकाश से जुड़ी कल्पनाएं न की हो। बचपन में हर किसी को आकाश के चांद, तारे, उनकी कहानियां आकर्षित करती हैं। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है? बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण, एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। मुझे बहुत से नौजवानों के इससे जुड़े संदेश भी मिले हैं। कुछ दिन पहले जब मैं इनस्पेस के हेडक्वार्टर के लोकार्पण के लिए गया था, तो मैंने कई युवा स्टार्टअप्स के आइडियाज और उत्साह को देखा। मैंने उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। आप भी जब इनके बारे में जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जैसे कि स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या और स्पीड को ही ले लीजिए, आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। उदाहरण के लिए चेन्नई और हैदराबाद के दो स्टार्टअप्स हैं, अग्निकुल और स्काईरूट। ये स्टार्टअप ऐसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।